नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है सैमसंग गैलेक्सी A50 या A50s और आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं USB पेन ड्राइव या कार रीडर, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले इस तरीके की OTG ले लेनी है, सी टाइप की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी टाइप की OTG है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल में कोई भी पेन ड्राइव, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास यहाँ पेन ड्राइव है किंगस्टन की, तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी मोबाइल का जो डाटा है मेमोरी में आपने कॉपी कर रखा है और इसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसको इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर देना है अपने पेन ड्राइव को। और इस तरीके से इसके पोर्ट में आपको प्लग करना है अपने OTG को। प्लग करने के बाद फ्रेंड्स देखिएगा, ऊपर की तरफ एक सिंबल शो हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको इसको स्लाइड करना है और यहाँ पर चेक कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करके अपना डाटा कॉपी कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर इसमें आपने वीडियो वगैरह डाल रखी है उसको प्ले करना चाहते हैं या कोई फोटोज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो उसको देख के यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।